सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका स्वागत है टॉप 10 बेस्ट सीरीज के एक और नए एपिसोड में। तो हम सब जानते हैं कि नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म में सबसे टॉप पर आता है, और उसे टॉप पर ले जाने में कुछ ऐसे शोज का कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने नेटफ्लिक्स के सर्वर को हैंग कर दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही शोज बताऊंगा जो आपको अपनी लाइफ में एक बार तो जरूर देखने चाहिए, वरना आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन वेस्ट जाएगा। और अगर आपने ये शोज देखे हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका इनमें से फेवरेट कौन सा है। तो चलो, बहुत बातें हो गई हैं, अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये काउंटडाउन, टॉप 10 बेस्ट सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स यू हैव टू बिंज वॉच नेक्स्ट। अगर आपको क्राइम थ्रिलर देखने में मजा आता है तो इस सीरीज को आपको एक ट्राई जरूर देना चाहिए। इस सीरीज ने साइको किलिंग को एक नए लेवल पर दिखाया है। मैं बात कर रहा हूँ 7.9 IMDb की रेटिंग्स के साथ 2022 में आई बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी डामर। इस सीरीज में आप देखोगे एक सीरियल किलर की स्टोरी। और ये इतना फेमस क्यों हुआ था? क्योंकि ये अपने विक्टिम्स को पकाकर खा जाता था। हाँ, आपने सही सुना, पकाकर खा जाता था। सीरीज में ब्रुटैलिटी और वॉयलेंस है, जिसकी वजह से ये 18+ कैटेगरी में आती है। ये शो एक मस्ट वॉच है अगर आप क्राइम थ्रिलर लवर्स हो तो। इस सीरीज को देखने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आपका दिल कमजोर है तो इस सीरीज को मत देखें। आप ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट्स में एक ऑफिसर भेज सकते हैं, या कोई दर्द में है या कत्ल हो रहा है। आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। अपना काम करिए। मैं तुम्हारी धड़कन सुन सकता हूँ। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली सीरीज की तरफ। नंबर 9 पे मैंने रखी है 7.4 IMDb की रेटिंग से साथ 2018 में आई डार्क फैंटेसी सुपरनैचुरल सीरीज चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना। ये सीरीज आपको स्टोरी दिखाती है सबरीना नाम की एक लड़की की, जो एक हाफ ह्यूमन और हाफ विच है। अब वो 18 साल की होने वाली है और उसे डिसाइड करना है कि वो विच बनेगी या फिर इंसान। फाइनली वो क्या डिसाइड करती है ये आपको पता चलेगा ये सीरीज देख के। अगर आप फैंटेसी शोज के फैन हो तो ये सीरीज आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। Are you willing to forsake the path of light and follow the path of night? It's very tempting to run. It's very tempting. I can't do this. You must. नंबर 8 पे आ गई है 8 IMDb की रेटिंग से साथ 2021 में आई कोरियन सर्वाइवल ड्रामा सीरीज स्क्विड गेम्स। सीरीज में हम देखेंगे कि अमीर लोग अपने शौक पूरे करने के लिए कुछ लोगों को बच्चों वाले गेम्स खिलाते हैं। पर इस सिंपल से एंटरटेनमेंट में एक ट्विस्ट है जो आपको पता चलेगा ये सीरीज देख के। और जो भी ये गेम जीतेगा उसे मिलेगा एक बहुत ही बड़ा कैश प्राइस। सीरीज में कुछ हटके कॉन्सेप्ट दिखाया है जिसकी वजह से ये वन ऑफ द मोस्ट वॉच सीरीज की लिस्ट में शामिल हुआ है। तो अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो इसको ट्राई जरूर करें। नंबर 7 पे मैंने रखी है 8.6 IMDb की रेटिंग्स के साथ 2020 में आई द क्वींस गैम्बिट। सीरीज में आपको चेस से रिलेटेड कंटेंट दिखाया है जिसमें एक लड़की है, उसे पता चलता है कि उसके पास चेस खेलने की एक जबरदस्त स्किल है, और वो इस स्किल से कैसे एक एक्सीलेंस हासिल करती है ये आप देखोगे इस सीरीज में। कहीं कहीं पर आपको सीरीज थोड़ी लेंथी लगने लगी, पर जब वो चेस खेल रही होती है तब आप उसमें ऐसे खो जाओगे कि आप अपनी आंख भी झपका नहीं पाओगे। दुनिया में तुमसे अच्छा चेस प्लेयर और कोई नहीं है। एक प्लेयर है मैं जिससे डरती हूँ। कौन? वो रशियन। नंबर 6 पे मैंने रखी है 8.1 IMDb की रेटिंग्स के साथ 2019 में आई द विचर। ये एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जो सेट है मेडिवल टाइम में। सीरीज बेसिकली 3 कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है जो अपनी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, पर उनकी किस्मत में लिखा होता है एक दूसरे से मिलना। अब वो क्या एक दूसरे से मिल पाते हैं या नहीं, और इस जर्नी में वो क्या क्या एडवेंचर्स फेस करते हैं ये आप देखोगे इस सीरीज में। इस सीरीज का 3rd सीजन अभी रिसेंटली ही रिलीज हुआ है जो मैं भी अभी बिंज वॉच कर रहा हूँ। I've heard tales of your kind, Witcher. You're a mutant.
created by magic, roaming the continent. We don't want your kind here. Hunting monsters for a price. I thought you'd have fangs or horns or something. I had them filed down. अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज की तरफ। आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी से प्यार तो जरूर किया हो, पर प्यार आपको किस हद तक ले जाता है ये आप देखोगे हमारी इस सीरीज। मैं बात कर रहा हूँ 7.7 IMDb की रेटिंग से साथ 2018 में आई यू सीरीज। सेंटर्ड है एक आदमी पर जो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, लिटरली किसी भी हद तक, फिर चाहे उसे किसी को भी अपने रास्ते से हटाना पड़ जाए। सीरीज में कुछ अडल्ट सीन है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको अकेले में ही देखें। क्या तुमने कत्ल किया है? क्या किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा? क्या तुमने मेरा दिल तोड़ा मैरियन? दिल टूटने पर हमेशा एक नई शुरुआत होती है। तुम एक खूनी हो जो नहीं, तुम गलत हो, मैं ये तुम्हें साबित कर दूंगा। नंबर 4 पे मैंने रखी है 8.1 IMDb की रेटिंग्स के साथ 2016 में आई लूसीफर। इस सीरीज में आप देखोगे कि डेविल हेल से निकल कर न्यूयॉर्क आ चुका है और उसके पास एक पावर है कि वो किसी का भी डीपेस्ट सीक्रेट निकलवा सकता है, पर उसकी ये शक्तियाँ एक पुलिस ऑफिसर पर काम नहीं करती है। और अब वो उसके साथ अलग अलग केस सॉल्व कर रहा होता है ये पता लगाने के लिए कि उसमें ऐसा स्पेशल क्या है। मुझे पर्सनली ये सीरीज इतनी अच्छी नहीं लगी है, पर हो सकता है आपको अच्छी लग जाए, सबकी प्रेफरेंस अलग अलग होती है, तो आप इस सीरीज को एक ट्राई जरूर देना। Let's just start with what you were doing before the event this evening. I was bribing a motorcycle cop. You were bribing a police officer. Indeed, not for the first time. And up until recently, you consulted for the LAPD. And you also claim that you're the devil. Was the devil. God now. Well, nearly. And how old would you say you are again? Well, one time works very differently in hell, so... He's just sensitive about his age. I mean, even I don't know the real number. अब बारी है नंबर 3 की, और उस पे मैंने रखी है 8.2 IMDb की रेटिंग्स के साथ 2017 में आई द मनी हाइस्ट। सीरीज हमें एक्सपीरियंस कराती है एक हाइस्ट की, और कोई छोटी मोटी हाइस्ट नहीं, इस सेंचुरी की सबसे बड़ी हाइस्ट, जिसमें एक प्रोफेसर है जो इसको एग्जीक्यूट करता है। अगर आप मेरी मानो तो ये सीरीज एक मस्ट वॉच है। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो आपने एक बहुत ही बढ़िया एडवेंचर को मिस किया है। आई नो कि इस सीरीज की बहुत ही ज्यादा तारीफ हो गई है, पर ये सीरीज एक वर्थ है आपके टाइम के लिए। इतना बड़ा हाथ हिस्ट्री में किसी ने नहीं मारा, ना न्यूयॉर्क, ना लंदन और ना ही मोंटे कार्लो में। तो अगर मेरी फोटो न्यूज में आनी ही है तो क्यों ना हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी के लिए आए। हर घर हर फैमिली में लोग सिर्फ यही सोचेंगे कि ये कर क्या रहे हैं। हम डाका कहाँ डाल रहे हैं? द रॉयल मिंट ऑफ स्पेन। तो भाई हमारी अगली सीरीज ने नेटफ्लिक्स को एक सक्सेसफुल OTT प्लेटफॉर्म बनाने में अपना बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। मैं बात कर रहा हूँ 8.7 IMDb की रेटिंग से साथ 2016 में आई द स्ट्रेंजर थिंग्स। ये सीरीज सेंटर्ड है कुछ बच्चों के एक ग्रुप पर जिनको पता चलता है कि उनका शहर एक दूसरे डायमेंशन का गेटवे है, और वहां से कुछ क्रिएचर्स उनके शहर पर हमला कर रहे हैं। अब ये लोग कैसे इस खतरे से डील करते हैं ये आप देखोगे इस सीरीज। सीरीज के अभी तक 4 सीजन रिलीज हुए हैं। Where it came from? Yes. And the girl? She can't have gone far. Find her. Do you really think it was a coincidence that we found her the same place where Will disappeared? Something is going on here. तो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी वीडियो के क्लाइमेक्स पर। अगर आपको अभी तक की वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक कर। तो चलो अब देखते हैं नंबर 1 की सीरीज। नंबर 1 पे मैंने रखी है 7.7 IMDb की रेटिंग्स के साथ 2020 में आई एलिस इन बॉर्डरलैंड। ये सीरीज मैंने नंबर 1 पे इसलिए रखी है क्योंकि मुझे पर्सनली ये सीरीज बहुत ही अच्छी लगी। ये सीरीज आपको एक नया कॉन्सेप्ट दिखा, सीरीज में एक फिक्शनल वर्ल्ड दिखाया है जो रियल वर्ल्ड के एग्जैक्ट सेम है, और यहाँ सर्वाइव करने के लिए आपको खेलने होंगे कुछ गेम्स जिससे आपका टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। सीरीज में जबरदस्त एक्शन है जो आपको इस सीरीज से जोड़े रखेगा। इस सीरीज के अभी तक 2 सीजन रिलीज हुए। सच में तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं सिवाय में ज्वाइन करने के। तुम सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकती हो। एक चीज जो मैं इस गेम के बारे में जानता हूँ,
केस का एक गेम मास्टर है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो देखने में मजा आया होगा। तो मेरी मेहनत को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इस चैनल की कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। अब मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।